मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार तज्ञ, सेक्स रोग तज्ञ, सम्मोहन तज्ञ और नशा मुक्ति तज्ञ हूँ। मैं NLP ट्रेनर और कोच हूँ। मैं आज बताने वाला हूँ आपको हकलाने का इलाज सम्मोहन के माध्यम से, स्टटरिंग और स्टैमरिंग ट्रीटमेंट बाय हिप्नोसिस और बाय हिप्नोथेरेपी। तो अभी हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे। इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। जैसा मैं पहले इनको बताऊंगा शब्दों के अर्थ, तो जैसा मैं आपको जब बोलूंगा रिलैक्स करो, तो आपने रिलैक्स करना है, पूरा बदन ढीला कर देना है, पूरा बदन रिलैक्स कर लेना है। मैं जब जब रिलैक्स बोलूंगा तब तब, जब मैं आपको बोलूंगा डीप, तो डीप इसका मतलब गहरा, और गहरा मतलब एखादी गुफा में, अंधेरे में अंदर अंदर अपन जा रहे ऐसी कल्पना करना है, डीप। मैं जब जब स्लीप ऐसा बोलूंगा, तब समझना है कि आप गहरी नींद में हैं या बेड पे सोए हुए हैं और आप नींद ले रहे हैं, ऐसी कल्पना करना है, एक्चुअली सोने का नहीं है। तो मैं बार 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 रिलैक्स बोलूंगा, स्लीप बोलूंगा और डीप ऐसा बोलूंगा। तो जब जब मैं स्लीप बोलूंगा तो कल्पना करना है कि आप सो रहे हैं। मैं जब डीप बोलूंगा तो कल्पना करना है कि आप गहरी गुफा में अंदर जा रहे हैं, और मैं रिलैक्स बोलूंगा तब आप, आपका शरीर पूरा आपने ढीला करना है, ठीक है। फिर बाद में मैं आपको 1 से 10 तक गिनती गिनाऊंगा, और जब आप गिनती में, जैसे जैसे गिनती मैं बोलते जाऊंगा, वैसे वैसे आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी। और फिर उसके बाद में मैं आपको सूचना दूंगा, हकलाने के बारे में जो इलाज है उसके बारे में मैं सूचना दूंगा। वो सूचना आपने सुनने की है, और आप जितना विजुअलाइज करेंगे उतना विजुअलाइज करना है। अच्छा, मतलब अपने आप को आपको देखना है। जब मैं बोलूँगा अपने आप को देखो, तो अपने आप को अपने देखने का है। फिर मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपने आप को सुनो, तो आप बातचीत कर रहे हैं तो अपनी आवाज़ सुनने की है, और सामने वाले यदि कोई आपसे बात कर रहे हैं तो वो भी आवाज़ आपने सुनने की है। मैं बोलूँगा वो फील करो, फीलिंग करना मतलब वैसा महसूस करना। तो उस समय मैं आपको बोलूँगा वैसा फील करो, तो आप समझो एंथुजियास्टिक है, बहुत उत्साही है, बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई अपन कुछ भी कर सकते हैं, खुश है, आत्मविश्वास आपका बढ़ चुका है, तो ऐसा फील करना है। तो आपने फील करना है, फिर आपने वैसा सुनना है जो भी आप सुन रहे हैं, और आपने देखना है जो आप देख रहे हो। तो ऐसा क्लियर कट वो आपको सुनाई आना चाहिए। हम वो करते हैं और अब हम एक्सरसाइज करेंगे। हकलाने का इलाज जो है स्टैमरिंग या स्टटरिंग, ये पूरा साइकोलॉजिकल इलनेस है। ये ना ब्रेन का प्रॉब्लम है, ना कोई गले का प्रॉब्लम है, ना कोई जबान का प्रॉब्लम है, ना कोई चेहरे का प्रॉब्लम है। क्योंकि यह व्यक्ति अकेला जब रहता है तो अच्छा बात कर सकता है, उसको कविता या कोई जनगणमन या ऐसा कोई बोलने के लिए बोला तो वो अच्छा बोल देता है। मगर कोई बड़ा व्यक्ति होगा, अधिकार होगा, कोई बड़ा व्यक्ति है तो उसके सामने वो हकलाता है, बच्चों के सामने हकलाएंगे नहीं। तो ये पूरी साइकोलॉजिकल बीमारी है, और वो दिमाग के एंग्जाइटी की वजह से, टेंशन की वजह से ये बीमारी होती रहती है। तो हमको टेंशन दूर करने का है। होता क्या है कि जब हकलाता है तो ये पूरा चेहरा जो है वो टेंस हो जाता है आपका, ऐसा त, 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 त। इसमें दो प्रकार है एक्चुअली, ऐसा खोज या खोजना, समझो उसको बोलना है खोजना, तो खो ऐसा बोलेंगे और अटक जाएंगे। और दूसरा एक प्रकार है उसमें कि समझो उसको बोलना है रवि किरण, तो रवि किरण की किरण ऐसा बोलेगा। ऐसे दो प्रकार इसमें है। तो दोनों भी प्रकार का इलाज तरीका ही है। जो टेंशन है, जो स्पाजम आता है, उसको रिलैक्स करना है, और आपने कल्पना करनी है कि मैं एक्चुअली लोगों के साथ में है सम्मोहन अवस्था में। तो विजुअलाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसमें मैं हरदम बोलता हूँ कि NLP हिप्नोसिस में करता हूँ, NLP और हिप्नोसिस का कॉम्बिनेशन। तो करते हैं हम। तो पैर को आपको क्या करना है, ऐसे नीचे पंजों को कैंची मारना है, हाथ ऐसे रखना है, आंखें बंद और लेटने का है, और पूरा ख्याल मेरी आवाज़ की तरफ देना है, दूसरी कोई भी आवाज़ सुनने की नहीं, दूसरी कोई भी आवाज़ की तरफ ध्यान देने का नहीं, पूरा बदन रिलैक्स 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 करना है। पैरों के अंगूठे रिलैक्स करो, अंगूठे रिलैक्स हो गए। पैरों के तलवे रिलैक्स करो, तलवे रिलैक्स हो गए। पैरों के पंजे रिलैक्स करो, पंजे रिलैक्स हो गए।
घुटने रिलैक्स करो, घुटने रिलैक्स हो गए, दोनों पैर रिलैक्स करो, दोनों पैर रिलैक्स 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 हो गए, पेट रिलैक्स करो, कमर रिलैक्स करो, पेट कमर रिलैक्स हो गई, पीठ रिलैक्स करो, पीठ रिलैक्स हो गई, सीना रिलैक्स करो, सीना रिलैक्स हो गया, कंधे रिलैक्स करो, कंधे रिलैक्स हो गए, दोनों हाथ रिलैक्स करो, दोनों हाथ रिलैक्स हो गए, गर्दन रिलैक्स करो, गर्दन रिलैक्स हो गई, जबड़ा रिलैक्स करो, जबड़ा रिलैक्स हो गया, गाल रिलैक्स करो, गाल रिलैक्स हो गए, आंखें रिलैक्स करो, आंखों की पलके रिलैक्स करो, आंखें रिलैक्स हो गई, माथा रिलैक्स करो, माथा रिलैक्स हो गया, पूरा सिर रिलैक्स करो, पूरा सिर रिलैक्स हो गया, सिर रिलैक्स, चेहरा रिलैक्स, शरीर रिलैक्स, हाथ पैर रिलैक्स, एंड नाउ स्लीप, 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 डीप, आप गहरी गहरी सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, डीप 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 जा रहे हो, आंखों के सामने अंधेरा 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 छा रहा है और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में जा रहे हो, मैं अभी एक से दस तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसी वैसी आपकी सम्मोहन अवस्था और गहरी गहरी होते जाएंगी और आप डीप 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 सम्मोहन अवस्था में चले जाएंगे, एक गो डीपर, दो तीन चार, स्लीप 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 डीप, पांच छः सात आठ नौ दस, एंड नाउ स्लीप 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 डीप, मैं भी आपको कुछ सूचनाएं देने जा रहा हूं, वह सूचनाओं का अच्छी तरह पालन करना है और वह सूचनाएं अपने जीवन में अपने जिंदगी में अपनाने की है, आपका आत्मविश्वास दिन ब दिन बढ़ता जाएगा, कोई भी व्यक्ति के सामने आप पूरे आत्मविश्वास के साथ में अच्छी तरह से एक 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 लफ्ज शांति से बात कर सक रहे हो, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है, आप कोई भी बड़े व्यक्ति से शांति से आराम से एक 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 लफ्ज बड़े शांति से आराम से आत्मविश्वास से बात कर रहे हो, आपका आत्मविश्वास पूरा बढ़ा हुआ है, आप कोई भी बड़े व्यक्ति से अधिकारी व्यक्ति से क्लास में
कहीं भी आप शांति से, आराम से, एक 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 शब्द आत्मविश्वास से बात कर रहे हो, अभी आपने ये कल्पना करनी है कि आपके सामने ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो अधिकारी है, जिसका आपको डर लगता है, वो व्यक्ति के सामने आप खड़े होकर बात कर रहे हो, ऐसी कल्पना करनी है। आपको घबराहट हो रही है अंदर से, ऐसा लग रहा है कि मैं हकलाऊंगा, तभी भी आप उसके सामने गए हैं, अपने आप को पूरा रिलैक्स किया है और ऐसी कल्पना करनी है कि आप वो व्यक्ति के साथ में बातचीत कर रहे हो, बातचीत चल रही है। तो उसमें ये देखना है कि उसने कौन से कपड़े पहने हैं, आपने कौन सा कपड़ा पहना हुआ है, आप क्या बोल रहे हो वो आपने सुनने का है, वो क्या बोल रहा है वो आप सुन रहे हो। आपको जो फील हो रहा है वो अभी आप फील कर रहे हो, आपको बड़ा आनंद लग रहा है, अभी बहुत खुशी लग रही है कि आप एकदम शांति से, आराम से, बिना अटकते हुए, एक 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 लफ्ज बहुत ही आराम से, बहुत ही वंडरफुल वो व्यक्ति के साथ में बात कर रहे हैं। आपको भी आश्चर्य लग रहा है कि मैं इतना अच्छा कैसे बात कर रहा हूं, वो व्यक्ति को भी अच्छा लग रहा है कि आप इतना कैसे अच्छी बात कर सकते हो। आपका आत्मविश्वास पूरा बढ़ा हुआ है और आप वो व्यक्ति के साथ में अच्छी तरह से एकदम कॉन्फिडेंटली बात कर रहे हो, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल। आपकी बातचीत चालू है, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ 2 मिनट का, उसमें आपने कल्पना करना है कि व्यक्ति के साथ में आप बातचीत कर रहे हो, आपका बदन पूरा रिलैक्स है, पूरा बदन रिलैक्स है, एकदम शांति से, आराम से बैठे, आपका आत्मविश्वास बढ़ चुका है और वो व्यक्ति के साथ में आप बातचीत कर रहे हैं, आपको वो शब्द सुनाई देंगे, वो सुनने का है, आपको वो देखने का है, आपको वो फील करने का है। स्टार्ट फीलिंग दैट सेंसेशन, वो सेंसेशन फीलिंग करना चालू करो, देखना चालू करो, सुनना चालू करो। आपको एकदम क्लियरली दिख रहा है, आप वो विजुअलाइज कर रहे हो, व्यक्ति के सामने आप बातचीत कर रहे हो, वो सुन रहे हो, उसको जैसा फील हो रहा है आपको भी फील हो रहा है, वो आप फील कर रहे हो, उसकी आवाज़ सुन रहे हो, उसको देख रहे हो, अपने आप को देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, वंडरफुल। और एक 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 लफ्ज शांति से, आत्मविश्वास के साथ में आप बातचीत कर रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत ही कॉन्फिडेंटली, आत्मविश्वास से आप बात कर रहे हो, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल। आपका 2 मिनट का समय हो चुका है, मैं भी आपको और एक कल्पना करने के लिए बोल रहा हूं कि आप एक बड़े बलून में बैठे हो और बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, बलून में, गुब्बारे में, बहुत बड़ा गुब्बारा है, उसमें आप अंदर बैठे हो, बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है। और वो बलून के बाहर और एक
उमेश खड़ा है, जो उमेश एक अंदर बैठा है, एक उमेश बाहर है, और वो बाहर का उमेश जो है वो एकदम आइडियल है, आदर्श है, जैसा आप चाहते हो वैसा वो उमेश है। उसको बातचीत बहुत अच्छी करनी आती है, वो कॉन्फिडेंट भी है, सब कुछ अच्छा कर सकता है, बहुत होशियार है, अलर्ट है, आप वैसा बनना चाहते हो, वो उमेश। वो उमेश अभी वो बलून के खिड़की से अंदर आ रहे हैं, अंदर आ गया और अभी आपके तरफ आया, आपके शरीर में उसने प्रवेश किया और आप एक रूप हो गए। अभी उसको जैसा लग रहा वैसे ही आपको लग रहा है, आप भी बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छा लग रहा है, खुश है, आप रिलैक्स्ड है, अच्छी बातचीत कर सकते हो, आप किसी से भी, आपको बहुत ही रिलैक्स लग रहा है, वंडरफुल, बहुत अच्छा। मैं अभी 1 से 3 तक गिनती करूंगा, जैसी जैसी गिनती बढ़ते जाएंगी वैसे वैसे वो जो है उमेश वो और आपको महसूस होगा कि कितना कॉन्फिडेंट है, कितना एक्साइटेड है, कितना एंथुजियास्टिक है। 1, 2 और 3, एक नया उमेश अभी तैयार हो चुका है, नया उमेश है, ट्रांसफॉर्म्ड है। अभी ऐसे जीना है, जिस तरह से अभी है आप वैसे आपको जीना है हरदम के लिए। मैं भी 3 से 1 तक गिनती करता हूँ, जैसे जैसे गिनती कम कम होती जाएंगी वैसे वैसे आपकी संभावनावस्था धीरे धीरे खुल जाएंगी और आपको जाग आ जाएंगे। जाग आने के बाद में आपको बहुत ही फ्रेश लगेगा, अच्छा लगेगा, एंथुजियास्टिक लगेगा, मजा आएगा। 3, आप संभावनावस्था से बाहर आ रहे हो, आपकी आँखें धीरे धीरे खुल रही है। 2, आँखें खुल रही है, संभावनावस्था से बाहर आ रहे हो। 1, उठो, जाग जाओ, आँखें खोलो। तो ये जो एक्सरसाइज हमने अभी देखी, ये एक्सरसाइज हकलाने वाला जो क्लाइंट है उसने दिन में कम से कम 4 बार करनी है। मैं हरदम बोलता हूँ कि 1000 बार ये टोटल करेंगे ना तो आपका हकलाना बंद हो जाएगा, तो आप खुद के खुद कर सकते हो। अभी मैं ऐसा बोला कि आपके पैर रिलैक्स हो रहे, आपके हाथ रिलैक्स हो रहे, तो जब आप स्वसंबोधन कर रहे हो तो अपने आपने बोलना है कि मेरे हाथ रिलैक्स हो रहे, मेरे पैर रिलैक्स हो रहे, है ना, मेरा पेट रिलैक्स, मेरी पीठ रिलैक्स, ऐसा मेरा हो रहा है, ऐसा आपने बोलने का है। और अपने आप को सूचना देना है। होता क्या है कि सम्मोहन अवस्था में कॉन्शियस माइंड जो है वो सो जाता है, कॉन्शियस माइंड ऑल्टर्ड स्टेट में जाता है, और सबकॉन्शियस माइंड एकदम सजेस्टिबल बन जाता है, सबकॉन्शियस माइंड रिसेप्टिव हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड को अच्छा बुरा, भला बुरा, सत्य असत्य, लॉजिक, ऐसा कुछ नहीं रहता, उसको जो बोला वो अच्छा लगता है और सही लगता है। तो हम क्या करते हैं, सम्मोहन अवस्था में कॉन्शियस माइंड को बाजू में कर देते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को ऊपर लाते हैं, और सूचनाएं डायरेक्टली सबकॉन्शियस माइंड को दी जाती है और वो उसका स्वीकार करता है। और ये आपको फायदे धीरे 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 महसूस होंगे रोज के जीवन में। तो आप जब भी जाएंगे बाहर तो ऐसा रिलैक्स बैठना है, और कहीं भी आप बाहर कर सकते हो ऐसा बैठ के, किसी से आप बात करते हो तो रिलैक्स होकर बात करना है, पूरा ये चेहरा हमने देखना है बार बार कि आपका पूरा चेहरा जो है ना एकदम रिलैक्स होना चाहिए, पूरा रिलैक्स। तो रिलैक्स जब चेहरा रहेगा तो पाजमा आता था, ऐसा जो होता है वो एकदम पूरा कड़क हो जाता है, वो नहीं होगा, वो ढीला रहेगा। तो ये करें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं मतलब एकदम पूरा आपका उपचार हो जाएगा, ठीक हो जाएंगे। आपके परिचित में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो हकलाते हैं, करीब करीब 1% पॉपुलेशन जो है वो हकलाती है कुछ ना कुछ प्रमाण में। तो ये वीडियो आप है ना लोगों को शेयर करो, ज़्यादा पूरा फैलाओ इंडिया भर में, विदेश में, ताकि ये जो प्रॉब्लम है हकलाने का, ये पूरा हमको पूरा निकाल देने का है समाज में से हमारे, और निकल सकता है, क्योंकि बेसिक इनका जो प्रॉब्लम है सोर्स वो है आत्मविश्वास का अभाव, टेंशन, कहीं ना कहीं एकदम ऐसा कुछ घटित हो गया और दिमाग में टेंशन ले लिया और खुद को बहुत कमज़ोर महसूस करते हैं, बहुत वीक, शक्तिहीन महसूस करते हैं। ऐसा लगता है उनको कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, और उसे ये प्रॉब्लम तैयार हो जाती है। ये प्रॉब्लम पिताजी, यदि डैडी उसके बहुत डोमिनेंट टाइप के यदि होंगे घर में, और बहुत कड़क स्वभाव के होंगे, बचपन में बहुत मार खाया होगा, बचपन में बहुत ही गुस्से वाले और कोई व्यक्ति होंगे, तो उससे ये ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये शेयर करो, आप सब्सक्राइब करो, मेरे अन्य कई वीडियोज़ में सम्मोहन के बारे में डालने वाला हूँ,
तो आपको वो वीडियोस के नोटिफिकेशन आते जाएंगे, आप सब्सक्राइब करो, बाद में जो बेल का आइकॉन आता है ना उसको भी हिट करो, ताकि आपको इसके बाद में आने वाले हर वीडियो मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।